दोस्तों बात करने वाले आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरएफसी के अंदर आज फिर हमें करेक्शन देखने को मिला। डेली बेसिस स्टॉक धीरे धीरे डाउन जा रहा है। अगर आज आप देखोगे तो 140 रुपए तक के लो हमें देखने को मिल चुके हैं। देखो ये गिरावट क्यों हो रही है, अगर मैं बताऊं दोस्तों, टोटली ये गिरावट नहीं, ये कंसोलिडेट चल रहा है। स्टॉक अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच अभी टाइम आपको टिका हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अगर गिरावट होनी होती तो ताबड़तोड़ गिरता। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, खासकर गवर्नमेंट वाले स्टॉक के। देखो रेलवे के स्टॉक जैसे भागे थे वैसे भी टाइम थोड़ा बहुत सस्टेस कर रहे हैं, ब्रेकआउट मिला, तेजी आई, लगभग डबल हुई, उसके बाद लगातार करेक्शन आया। एंड अभी फिर भी देखते थे आप दोस्तों, करेक्शन आज 2.5% में आईआरएफसी के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहां से वही लोग परेशान है जिन्होंने टॉपर खरीदा। भाई देखो आपको एक ही चीज करनी है अभी के टाइम, वो है वेट, क्योंकि अगर देखो वेट करोगे प्रॉफिट लेके जाओगे। करंटली अगर सिचुएशन ऐसी है कि यहां से दोस्तों उल्टा आपको खरीदना चाहिए, ना कि यहां पे बेच के निकलना चाहिए। बस ये कि दो ही चीजें मांग रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप एवरेज कर लो, दूसरा अगर पैसा नहीं है तो आप वेट कर लो यहां पे, ठीक है ना। अपने प्राइस को देखो, एवरेज करने का बेहतरीन मौका यही है कि दोस्तों ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा, बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, डाटा एक बार आपसे समझ ले। एंड ऑफर्स वगैरह भी यहां पे आने वाले हैं, तो ऑफर्स की भी अपडेट क्या है वो भी हम देंगे। एंड साथ साथ दोस्तों यहां से टारगेट क्या रहेंगे, अबकी बार अगर रैली आती है तो कितना ये जाने वाला है, क्योंकि भाई जब रैली आती है आईआरएफसी किस तरीके से रैली दिखाता हमें पता, लगभग भाई ये 90% से कम रैली नहीं दिखाता। जब ये भागता है ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिलती है। आज के हाई 145 के थे, जो कि आज लगभग ओपन हुआ वहीं यहाँ पे स्टॉक ने वहां से ही डाउन गया एंड उसके बाद ऊपर गया है नहीं। ऑर्डर देखा जाए दोस्तों 2.5 करोड़ के आसपास की आज की वॉल्यूम थी एंड 30,000 शेयर के टाइम हमें बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज पी धीरे धीरे दोस्तों आप देख सकते हो गिरता देखने को मिल रहा है। पी बाई 31 का आ चुका, जो पी यहाँ पे जब मतलब भागा था लगभग डबल हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आई तो पी बाई 40 का आ चुका था। 40 के बाद ऑर्डर 10 पी फिर से गिर गया, ऑर्डर 30 आ गया, 10 गिर गया यहाँ पे। एंड मेन चीज यहाँ पे डिलीवरी, तो डिलीवरी आज अच्छी उठाई गई है क्योंकि भाई बॉटम पे आ चुका, अब यहाँ से बड़े प्लेयर्स उठाना स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर 38% का माल आज उठाया गया, 85 लाख शेयरों की डिलीवरी हमें डिलीवरी परसेंटेज के अंदर देखने को मिल रही है। तो डाटा जबरदस्त है एंड मार्केट में देखो एक टाइम यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा डाउन था एंड एक टाइम फिर से अगेन मार्केट में रिवर्सल दिखा, बट उसका इफेक्ट अभी के टाइम स्टॉक पे नहीं देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो कई लोग पैनिक हैं, कई लोगों को यहाँ पे ये पता नहीं कि कंपनी कैसे। देखो मेन चीज यहाँ पे समझना आप दोस्तों कि अभी के टाइम देखो प्रमोटर्स के पास 86% और 36% यहाँ पे लेके बैठे, अराउंड 86.36% प्रमोटर्स के पास है। तो इसको दोस्तों देखो सेबी का रूल है 75% तक रख सकते हो आप। अगर आपकी कोई कंपनी इस मार्केट में लिस्ट हो चुकी है तो 25% तो आपको पब्लिक करना ही पड़ेगा, टाइम पीरियड है 1 साल, ठीक है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे ऑफर्स आने वाला है एंड ऑफर्स में आपको मेन चीज देखो इतना भागता है, इतना अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है एंड यहाँ पे टोटली जो गवर्नमेंट है पूरा गवर्नमेंट का फोकस है। फिर भी आप नोटिस करो यहाँ पे FIDI का डाटा बहुत कम है। अब ये क्यों कम है, क्योंकि भाई रिटेल बेचते ही नहीं है। अब देखो रिटेल जहाँ पे प्रमोटर्स बेचेंगे ना, रिटेल के तो पास माल बहुत कमाएगा, ज्यादा यहाँ पे आपके FIDI इन दोनों की होल्डिंग भाई देख लेना, कम से कम 5% प्लस यहाँ पे आने वाले एक दो क्वार्टर में आपको देखने को मिलने वाले, क्योंकि ताबड़तोड़ खरीदारी अभी ये करने वाले। हाल के अंदर दोस्तों अगर मैं डाटा बता दूँ यहाँ पे कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी जबरदस्त है। कंपनी का अगर यहाँ पे रिसोर्स देखोगे दोस्तों, तो रिसोर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक की शानदार है एंड यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो भी जबरदस्त है। इसके साथ साथ मेन चीज यहाँ पे देखो, सबसे जो मेन चीज हमारे लिए दोस्तों, एक बार आप चार्ट को ठीक से समझो। देखो चार्ट जब भागता है, देखो यहाँ से समझो आप दोस्तों, कंसोलिडेट था, तेजी आई, फिर कंसोलिडेट तेजी, फिर कंसोलिडेट तेजी, फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से तेजी, फिर कंसोलिडेट, फिर से तेजी दिखाया एंड यहाँ पे अभी के टाइम देखोगे तो तेजी आने के बाद गिर रहा है, इसके बाद वैल्यू बाइंग एंड फिर से यहाँ पे ये सस्टेंस करेगा, इस लेवल पे गिरेगा कम, सस्टेंस से ज्यादा करेगा, मतलब लोगों को यहाँ पे ये जो है पकाएगा ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये गिरा, वॉल्यूम डाउन होते हुए देखने को मिल रही है, अभी के टाइम तो ना के बराबर वॉल्यूम आ रही है। तो ये है दोस्तों बड़े प्लेयर्स का काम, क्योंकि जब यहाँ पे बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं तो देखो कितनी तगड़ी वॉल्यूम यहाँ पे हमें नजर आती है, इस वजह से ये भागता है। तो वॉल्यूम अभी के टाइम डाउन है, संकेत स्टॉक का थोड़ा नेगेटिव है, कंसोलिडेट वाला संकेत है, संकेत है। यहाँ पे देखो मेन चीज सीजीआर ग्रोथ, देखो आप कंपनी की सीजीआर ग्रोथ भाई 25K यहाँ पे, किसी भी कंपनी की अगर सीजीआर ग्रोथ 20 की भी रहती है ना भाई, 20 प्लस होती है, वो 20 तक तो जबरदस्त होती है, 20 प्लस वाली तो दोस्तों एक्सेलेंट होती है। तो यहाँ पे कंपनी की सीजीआर ग्रोथ का मतलब होता है प्रति ईयर दोस्तों कंपनी 25% का यहाँ पे आपको सीजीआर दे रही है, मतलब एक वो जो कंपाउंडिंग दे रही है, ठीक है। जैसा कि आज इस साल आपको 25% मिला तो इसका 25% भी देगी आपको अगले साल, फिर 50 हो गया, 50 का फिर 50-25%, ऐसे मतलब कंपाउंडिंग कंपनी 25% हर साल कर रही है। यहाँ पे आपके FD भाई 3-4% रहती है यहाँ पे, तो वहाँ से देख लो कंपनी कितना शानदार रिटर्न यहाँ पे बना के दे रही है एंड यहाँ से अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से सही लेवल पे ये ट्रेड कर